अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा, तो आप सेवक कहां रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम फूल गए। बड़ी सूक्ष्म बात, विषयी, विषय चिंतन करता हुआ, विषय भोग करता हुआ, राग द्वेष से जलता हुआ, परिणाम नरक यंत्रणा का भोग प्राप्त करेगा। उपासक बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसको ये अभिमान हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कोई चाहे कितना भी बड़ा प्रभु भक्त क्यों ना हो, चाहे वो दिन में एक घंटा नाम जप करता हो या फिर पूरा दिन पूजा पाठ करता हो, लेकिन अगर वो ये गलतियां करता है तो उसे भक्ति का फल कभी नहीं मिल पाएगा। वो गलतियां कौन सी हैं, चलिए सुनते हैं श्री गुरु जी के मुखारविंद से इस प्रवचन में। राधे राधे। हमारा आराध्य देव प्रसन्न रहे, हम कहीं उनकी प्रतिकूल आचरण ना कर बैठे, ये उपासक की वृत्ति रहती है। और विषयी पुरुष का प्रत्येक कर्म भोग होता है, उसका चिंतन भोगों का, कर्म की चेष्टा भोगों की, तो परिणाम महाविष होता है, बड़ा दुख अशांतिमय होता है। विषयी विषयों से आसक्त होकर के राग द्वेष पूर्वक पूरा जीवन जलता रहता और मरने के बाद नरक यंत्रणा को भोगता है। साधक इन द्वंद्वों को सहता हुआ, शांति के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ प्रभु के परम पद को प्राप्त होता है। द्वंद्वों को सहता हुआ, प्रारंभ में उसको ये जलन सहनी होगी, मान अपमान की, दुख सुख की, लाभ हानि की परवाह न करते हुए निरंतर भगवद आश्रित होकर भजन परायण, तो उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी और वो परम शांति परम पद में उसे आरूढ़ कर देगी। विषयी विषय चिंतन करता हुआ, विषय भोग करता हुआ, राग द्वेष से जलता हुआ, परिणाम नरक यंत्रणा का भोग प्राप्त करेगा। उपासक बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसको ये अभिमान हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये बहुत घातक बात है। अपने को सबसे छोटा समझे, त्रणादपि सुनिचेन, ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। सब में प्रभु है, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का, आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है, इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है, स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नृसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूप, और फिर चराचर जगत का, ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है, इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगपात, सबको मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के,
साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा तो आप सेवक कहां रहे, उपासक कहां रहे। अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं तो आप उपासक कहां रहे। सावधान, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, पच गया तो सिद्ध हो गए, ये भजन के भारी विघ्न है, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, रूप का, मात्र का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उसकी पहचान है, जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है। जब दूसरों में अपने से तारतम्य मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गुण है, देखो इसमें ये दोष है, तो आपको अभिमान आ गया है। भक्ति महारानी कैसे टिकेंगी आपके हृदय में, अभिमान छू न जाए। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, यही सब अभिमान। उपासक को अभिमान से दूर रहना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सदगुण की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है। प्रभु को पुकारो कि नाथ संभालो, ये अभिमान आ रहा है, वही ठीक कर देंगे। अपनी उपासना से हटे नहीं, किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं, अपने को कोई गलत कार्य करना नहीं, दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य देव अंदर से भाव रखना है, बाहर से व्यवहार नहीं रखना, बाहर से संभाषण भी नहीं करेंगे, अंदर से आराध्य देव का भाव रखकर न उसकी निंदा करेंगे न उसकी स्तुति करेंगे। किसी से भी घृणा, किसी से नीचापन, किसी को पापी, किसी को महान दुराचारी, ये हमारा दर्शन नहीं होगा, हमारा दर्शन नहीं हो। इसलिए महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते, देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है, ऐसे क्रूर हैं, पापी हैं, उनमें भी हमारी ये मति दृढ़ होनी चाहिए कि मेरे आराध्य देव विराजमान है इसके हृदय मंदिर पर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़िया से भजन हो गया तो तुम भूल गए, बड़ी सूक्ष्म बात है। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या चल रहा है, कई घंटे भजन हुआ, अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा कि देखो इतने घंटों से भजन कर, थोड़ी देर का अवसर दे दीजिए, थोड़ा हंस खेल लीजिए, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, इधर उधर देख लीजिए, आधी घड़ी भी यदि आपने ऐसा अवसर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए, जैसे जैसे भजन साधन बढ़े वैसे वैसे गुप्त रखना चाहिए अपने हृदय के भाव को, आनंद की उमगन को गंभीरता और उदासीनता से। उदासीन अति रही गुसाई, बाहर से ऐसा लगे कि ए तू एकदम ना हंसता है ना बात करता है, उदासीन गंभीर, अंदर आनंद उमड़ रहा है, बाहर से गंभीर, भ्रकुटि तनी हुई शांत, ये भजन की सुरक्षा है। बहुत सुकोमल पौधा है, आसपास कांटे की बाड़ लगाई जाती है, वो बाड़ अगर मजबूत लगी रही तो पौधा वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा तो कुछ हानि होने वाली नहीं, हजारों लोग विश्राम पाएंगे उस वृक्ष के नीचे। ऐसे अभी भक्ति का पौधा अंकुरित हुआ है, माया रूपी बकरी अगर चर गई तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और आप प्रवचन की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर इसका सकारात्मक लाभ उठाएंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।